दोस्तों अगर नहीं किए ये दो बदलाव तो हार जाएगी पाकिस्तान टीम। जानिए क्या होगी पहले 2020 में पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11, तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को पहले 2020 में खेलता हुआ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले 2020 सीरीज का बिगुल बज चुका है। दोस्तों दोनों ही टीमें पहले 2020 मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच पहला 2020 मुकाबला 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं। वहीं पहले मुकाबले से पहले कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के बीच तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की पहले 2020 मुकाबले से बाहर बैठना पड़ सकता है। हालांकि अगर पाकिस्तान टीम अपने प्लेइंग 11 में ये दो बड़े बदलाव नहीं करेगी तो पाकिस्तान टीम को पहले 2020 मुकाबले में हार झेलना पड़ सकता है। वहीं बात करें पाकिस्तान के संभावित प्लेइंग 11 की तो वो इस प्रकार रह सकती है। दोस्तों पहले 2020 में हमें ओपनिंग जोड़ी में फखर जमान के साथ युवा बल्लेबाज सैम अयूब नजर आ सकते हैं। इनके अलावा नंबर 3 पर कप्तान बाबर आजम, नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पर उस्मान खान, नंबर 6 पर इफ्तिकार अहमद, नंबर 7 पर शादाब खान, नंबर 8 पर इमाद वसीम, नंबर 9 पर शाहीन अफरीदी, नंबर 10 पर नसीम शाह और नंबर 10 पर मोहम्मद आमिर को देखा जा सकता है। तो दोस्तों आप इस प्लेइंग 11 में और क्या बड़ा बदलाव करना चाहेंगे नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर से दें। धन्यवाद।